आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के 15 राज्यों में आज है भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में बेतवा और एमपी में नर्मदा नदी है उफान पर। देश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसूनी बारिश की वजह से अलग अलग राज्यों में लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल 80% ज्यादा जो है यहाँ पर जो है इलाकों में बारिश हो रही है। वही अलग अलग राज्यों में जो है लैंडस्लाइड के कारण सड़कें जो है बाधित हुई है। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। राजघाट बांध के 8 और माता टीला बांध के 20 गेट खोल दिया गया। इसके चलते जो है बेतवा नदी उफान पर आ गई है। नदी किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी किया गया। वही मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। नर्मदा नदी यहाँ पर उफान पर है। इसके अलावा जो है कोलरा, बैरागी और सतपुड़ा समेत कई डैमों के गेट खोलकर पानी जो है वो छोड़ा गया है। आज मौसम विभाग ने 15 राज्यों में जो है देश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं गोवा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक, केरल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश की बात कही है। तो देश के ज्यादातर इलाकों में इस तरह की स्थिति जो है वो आगामी 24 घंटों में देखने को मिलेगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के लिए भी जो है चेतावनी जारी की गई है। तो ये कुछ चेतावनी जो है देश के अलग अलग राज्यों के लिए जारी की है। अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों को देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मौसम की देखते हैं, तो राजस्थान के सभी जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों में भारी बारिश आज की चेतावनी दी गई है। कोटा और बारा में 2 इंच तक पानी गिरा है। दरअसल राजस्थान में अगले 2-3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल राजस्थान के मौसम को लेकर जानकारी दी गई है कि आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में राजस्थान में जो है कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो है आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। वही आगामी 24 घंटों के दौरान जो है राजस्थान के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार जताए गए हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो छत्तीसगढ़ में आ गई आपत वाली बारिश। कैरगढ़, जीपीएम सहित 25 जिलों में अलर्ट। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि कैरगढ़, दुर्ग और जीपीएम सहित कई शहरों में मध्यम से लेकर तेज बरसात के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल के गंगा के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा कुछ जगहों पर चक्रवात भी बनते दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। दूसरी ओर बस्तर में तेज बरसात की वजह से छत्तीसगढ़ का संपर्क तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कट गया है। गरियाबंद में परले जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कोरिया, बीजपुर और बीजापुर, महेंद्रगढ़ और प्रेड़ा और इसके अलावा जो है यहाँ पर मरवाही, सुकमा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कोरबा, मानपुर, गरियाबंद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। तो भयंकर बारिश को लेकर चेतावनी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दी गई है। बात करते हैं यूपी के मौसम की, तो यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम, तो देखिए यूपी के कई जिलों में तेज बारिश के आसार है। दरअसल कमजोर मानसून की वजह से राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का इंतजार अब खत्म होता जा रहा है। कल भी प्रदेश के अंदर बादलों की आवाजाही देखने को मिली। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। हालांकि कुछ जगहों पर छटपुट बारिश भी देखने को मिली। लखनऊ आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज भी छटपुट स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। कल भी जो है मानसून की यहाँ पर जो स्थिति जो है वो जारी रहेगी, सक्रिय मानसून रहेगा। कल भी जो है कई इलाकों में जो है मानसून सक्रिय रहेगा, कई इलाकों में बारिश होगी। वही पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में यूपी में बारिश दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में भी ज्यादा इलाकों में बारिश रहेगी। बात बिहार के मौसम की करते हैं, तो बिहार में उमस से नहीं मिलेगी राहत। कई जिलों में आज भी बारिश के आसार। सावन का महीना बिहार से जो है यहाँ पर सावन के महीने में बिहार से मानसून रूठा हुआ है। नतीजन पिछले कई दिनों से बिहार में अच्छी बारिश नहीं हुई है। उमस से लोग जो है बेहाल है। खेती किसानी के लिहाज से बिहारी से होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अभी बारिश का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। यही हाल है कि पूरे बिहार में यहाँ पर अभी तक जो है किशनगंज को छोड़कर सभी इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 50% से भी ज़्यादा कम बारिश हुई है।
वहीं पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 2024 का मानसून अब तक का सबसे कमजोर मानसून के रूप में दिखाई दे रहा है। बिहार और आसपास के कई इलाकों में यहाँ पर मौसमी गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। आज बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है, लेकिन उमस से फिलहाल राहत के कोई भी आसार नहीं है। तो ये जानकारी जो है बिहार के मौसम को लेकर सामने आ रही है कि फिलहाल आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं राहत के, लेकिन आगामी दिनों में हम कल्पना कर सकते हैं। बात करते हैं एमपी के मौसम की, तो आखिर एमपी में कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का मौसम, तो बता दें आपको कि जबलपुर के बैरागी बांध के गेट खोले गए हैं। कैरगोन में नाले में जो है यहाँ पर कार्बन डीएससी पर अंतिम उफान पर है। दरअसल मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जो है इंदौर उज्जैन सहित कई इलाकों में 24 जिलों में जो है भारी वर्षा को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। एमपी के जबलपुर में लंबे इंतजार के बाद बरगी बांध के गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल 2 गेट खोले हैं। ये गेट 1 मीटर तक ऊंचाई के खोले गए हैं। निचले इलाकों में रहवासियों को नर्मदा तटों से दूर बनाए रखने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कुछ स्थितियां जो है देखने को मिल रही है। ज्यादातर इलाकों में स्थितियां इसी प्रकार की देखने को मिल रही है। झारखंड की बात करें तो 2 दिन बाद झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वही झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। हालांकि दोपहर में हल्की धूप जरूर देखने को मिली यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है सामने होते बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वही प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री कोरडा में रिकॉर्ड किया गया। आज की बात करते हो रांची मौसम विभाग केंद्र ने बताया कि साउथ वेस्ट झारखंड में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और हल्की मध्यम तो बारिश ये होने के आसार जताए गए हैं। तो ये कुछ स्थितियां जो है मौसम की देखने को मिल रही है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में फिलहाल हीटवेव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल बात यह है कि देश की जन्नत आखिर यहाँ पर किसकी नजर लगी कि एक तरफ जहाँ देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है तो कुछ इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वही कश्मीर में लू के तपेड़े चल रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं बल्कि जुलाई महीने में जो है 25 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल कश्मीर में भीषण गर्मी चल रही है। घाटी के कई स्थानों पर कल 25 सालों में जुलाई सबसे ज़्यादा तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया। सवाल यह है कि इतनी यहाँ पर हमने इतनी प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है। दरअसल पश्चिम गर्मी का हालात इतने खराब है कि इसका असर बच्चों पर ना पड़े इसके लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 30 तारीख तक जो है स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। श्रीनगर शहर में कल तापमान 36.2 डिग्री के आसपास रहा है। 9 जुलाई 1999 के बाद जो है पारा 37 डिग्री जो है कश्मीर में पहुँचा है। तो ये बहुत यहाँ पर दुखद बात है कि इस बार जो है कश्मीर में काफ़ी जो है गर्मी पड़ रही है। तो देश भर के ज्यादातर राज्यों में जो है मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। अभी आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में जारी रहेगा बारिश का दौर। अभी हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य के अंदर जो है कई इलाकों में जो सड़कें जो है ठप हो चुकी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने जो है अपना बुलेटिन जारी किया, उसमें जो है 4 तारीख तक बारिश का दौर जारी रहने की बात कही है। वहीं 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है यहाँ पर बारिश को लेकर चेतावनी दी थी, जो आज भी यहाँ पर चेतावनी है। ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला कुछ इलाकों में जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक राज्य के अंदर मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है और 1 अगस्त तक इसकी तीव्रता ज़्यादा रहने की संभावना है। वही हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, सोलन, शिमला, सिरमौर में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वही ज्यादातर इलाकों में जो है भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें जो है मौसम से जुड़ी आप लोगों को रोजाना सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।